केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार भी उन्होंने भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस के भारत दौरे पर उनकी आवाभगत करने से मना कर दिया, क्योंकि अमेज़न के सीईओ पर प्रेडेटरी प्राइसिंग और चुनिंदा विक्रेताओं को प्राथमिकता देने के आरोप लगे हैं। अब जब पीयूष गोयल ने सिद्ध कर दिया है कि मोदी सरकार व्यापार में किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी, तो कांग्रेस एक बार फिर लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आगे आई है। ट्विटर पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए शशि थरूर कहते हैं, यह अच्छा तरीका है निवेशकों को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए आकर्षित करने का। पी चिदम्बरम ने भी एक व्यंग्यात्मक ट्विटर थ्रेड पोस्ट कर मोदी सरकार को इस विषय पर आड़े हाथों लेने का प्रयास किया। एक ट्वीट में वे कहते हैं, ऐसी बिरोखी पिछले 5 महीनों से निरंतर गिरते जा रहे आयात और 8 महीनों से निरंतर गिरते जा रहे निर्यातों को भी रिवर्स कर देगी। वाणिज्य मंत्री को और लोगों को भी अनदेखा करना चाहिए ताकि आयात और निर्यात में बढ़ोतरी हो सके। जहां कांग्रेस पीयूष गोयल और मोदी सरकार की नकारात्मक छवि पेश करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है और ये जताना चाहते हैं कि जेफ बेजोस को अनदेखा कर मोदी सरकार भारत में निवेश रोक रही है, तो वहीं वास्तविकता का इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। सच कहें तो कई करोड़ छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पीयूष गोयल ने यह निर्णय लिया है। अमेज़न अपने अत्यंत ऊंचे डिस्काउंट दरों के लिए विवादों के घेरे में रहा है, जिससे अन्य व्यापारियों का धंधा ही चौपट हो जाता है और भारत के छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों को इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेज़न के विरुद्ध एक और आरोप सामने आया है और वो है कॉम्पिटिशन लॉ का अंधाधुंध उल्लंघन करने का, जिसके कारण कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जांच कमेटी भी बिठाई गई है। अमेज़न में विक्रेता चुनने के लिए कोई स्पष्ट क्राइटेरिया नहीं है। अमेज़न के ऊपर ये भी आरोप लगे हैं कि ये चुनिंदा विक्रेता अमेज़न से एफिलिएटेड भी हैं, जिससे मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI के अंतर्गत 49% निवेश की सीमा का उल्लंघन भी होता है। अमेज़न ने हाल ही में जो घाटा झेला है उससे भी कई सवाल उठते हैं। पीयूष गोयल ने इसी बात पर प्रकाश डालते हुए पूछा, जब एक फेयर मार्केट प्लेस मॉडल में $10 बिलियन का टर्नओवर हो और उसके बाद भी कंपनी को घाटा झेलना पड़े, तो सवाल तो उठेगा ही कि आखिर घाटा किस जगह हुआ। जेफ बेजोस के 3 दिवसीय भारत दौरे पर उन्हें अनदेखा कर और उनके द्वारा छोटे एवं मध्यम वर्गीय उद्योगों को डिजिटल करने के $1 बिलियन के निवेश के झांसे में न आकर पीयूष गोयल ने भारत के छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारियों के हितों को सर्वोपरि रखा है। जब से पीयूष गोयल ने वाणिज्य मंत्रालय की कमान संभाली है, भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रहित से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसी का उदाहरण हमें तब देखने को मिला था जब पिछले वर्ष किसानों और उद्योगपतियों ने मोदी सरकार द्वारा RCEP डील को ना स्वीकारने के निर्णय का स्वागत किया था। भारत इस डील में इसलिए शामिल नहीं होना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये डील देश के हितों की बलि ना चढ़ा दे। RCEP डील में राष्ट्र हित को न सिर्फ ताक पर रखा जाता, अपितु RCEP के सदस्य देशों के साथ उनका ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ जाता। इसी भांति 2016 में भी मोदी सरकार ने फेसबुक के फ्री बेसिक्स मॉडल को रिजेक्ट कर दिया ताकि नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत कायम रह सके। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने एक प्रेस रिलीज में कहा था, चूंकि अभी जनसंख्या का एक बड़ा भाग इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए सर्विस प्रोवाइडर्स को उनकी मनमानी करने देना लोगों के इंटरनेट के अनुभव को नियंत्रित करने के समान होगा। राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखने की इसी नीति के कारण पीयूष गोयल ने जेफ बेजोस को भी आंखें दिखाने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जब बेजोस भारत पहुंचे तो छोटे व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के साथ उनका स्वागत हुआ। सच तो यह है कि अमेज़न के डीप डिस्काउंट्स, उनकी प्रेफरेंशियल सेलर पॉलिसी और प्रेडेटरी प्राइसिंग निर्धारण के आरोपों ने भारत की घरेलू चिंताओं को उजागर किया है और मोदी सरकार भी इससे भली भांति परिचित है। परंतु पीयूष गोयल ने ऐसी कोई भी टिप्पणी नहीं की जो किसी भी स्थिति में संकेत दे कि वह विदेशी निवेशों के विरोधी है। उन्होंने केवल यह संकेत दिया है कि भारत अपने नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सिर्फ इतना ही स्पष्ट किया है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यापारिक दिग्गज क्यों ना हो, नियम तो सभी को मानने ही पड़ेंगे। पीयूष गोयल ने भारत के व्यापारिक हितों को बाधित करने के प्रयासों के खिलाफ साहसपूर्वक खड़े होकर प्रशंसनीय कार्य किया है। मोदी सरकार जिस तरह से इंडिया फर्स्ट की नीति का पालन कर रही है वह सराहनीय।